टीपू सुल्तान वो थे जो अंग्रेजों से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहे। बात ये नहीं है कि किसका स्टेटस लगा रहे, बात ये है कि ये कुछ इस तरह की मनुवादी सोच के विचारधारा के लोग हैं और जो सावरकर गोलवरकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, जो देश की जनता को लगातार धर्म के नाम पर बरगलाना चाहते हैं। और वो जान रहे हैं कि जहाँ पर रेल हादसा हो रहा है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो देश की जनता को किसी चीज में तो उलझाओ। तो ये आजकल अगर देश की जनता इधर देखकर सवाल पूछ रही है ना, देश के जनता के दिमाग में कुछ चल रहा है तो तुरंत उसको धर्म के तरफ मोड़ दिया जाता है। अरे नहीं नहीं वो नहीं, ताकि देश की जनता के दिमाग में ये ना जाए कि वहां पर क्या हो रहा है, सरकार की वहां पर गलतियां हैं। तो वो देश की जनता का दिमाग को, ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित एक चाल है कि देश की जनता धर्म में ही डूबी रहे, धर्म से बाहर ना निकले और देश की जनता का शोषण होता रहे। रेलवे पर सवाल ना हो, जो बालासोर की घटना है उस पर देश देख रहा था, देश के ध्यान को भटकाने के लिए ये जो कोल्हापुर की घटना है, ये घटना प्रायोजित है सरकार के द्वारा। लेकिन आप कह रही हैं सरकार इन चीजों का फायदा लेती है, सरकार तो खुल के बयानबाजी कर रहे हैं, फडणवीस कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलादे पैदा हो गई हैं। हाँ, तो मैं तो वही बोल रही हूँ, अगर वो खुलकर इस तरह नहीं बोलेंगे तो देश की जनता का ध्यान कैसे आएगा? उनका पॉलिटिक्स, राजनीति तो औरंगजेब पे, पाकिस्तान पे, नमाज पे, कुरान पे, इसी पर तो वो राजनीति करते हैं, इसी पर तो वोट बटोरते हैं। जब कोई घटना होती है, देश की जनता उनसे सवाल करना शुरू करती है, वो औरंगजेब को ले आते हैं, नमाज को ले आते हैं, कुरान को ले आते हैं, अजान को ले आते हैं, पाकिस्तान को ले आते हैं, इसके बिना कैसे चलेगा? और एक बात और, अभी 2024 आने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ राजनेता जो सत्ता में है, उसकी जिम्मेदारी पूरी जनता की है, वो ऐसे बयानबाजी करेगा? देखिए, अब संविधान रहा कहाँ, संविधान की तो रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान को मान कौन रहा है सत्ता में बैठे लोग? लोकतंत्र को मान कहाँ रहे हैं? वो तो पूरा तानाशाही, हिटलर शाही चल रही है। लोकतंत्र अब है कहाँ? लोकतंत्र अगर होता तो किसान जो धरने पर बैठे हुए थे, MSP की मांग कर रहे थे, उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई होती और चोट से हमारे किसान शहीद नहीं हुए होते, और जो बेटियां देश में खड़ी बैठी हैं, जंतर मंतर पर बैठ के न्याय मांग रही थी, उन्हें बलपूर्वक उठाकर फेंका नहीं गया होता, और जहां पर केस ब्रिजभूषण पर, मंत्री पर केस होने के लिए मांग कर रहे थे, मंत्री के बजाय केस किस पर होता है? जेल कौन जाता है? किसान नेता जेल जाता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जेल गए, उन्हें भेजा गया, वो आदमी जो लगातार देश के किसानों के लिए, देश के आम जनता के लिए आवाज उठाता है, गरीबों के लिए आवाज उठाता है, वो इंसान जेल गया और किसान जेल गए हैं, किसान लट खा रहे हैं, ब्रिजभूषण से सवाल नहीं किया गया। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं हाशिए पर है। लेकिन एक किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं पूरे देश, बिल्कुल, उन पे केस लगा है 307 के अंतर्गत। अब आप सोचिए ना, चौदह दिन के, सोचिए कितना दुखद घटना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो खुद में, उनको किसी ये की जरूरत नहीं है कि किसी नाम की जरूरत नहीं है उनको कि कौन है क्या है, वैसे आदमी को जेल भेजा गया है, पूरे लोगों पर लठ बरसाई गई है। और यहाँ पर जो देश की जनता मांग कर रही थी, पहलवान मांग कर रहे थे ब्रिजभूषण पर केस हो, ब्रिजभूषण को जेल भेजा जाए, पर ब्रिजभूषण तो मस्त हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, और जाता कौन है जो जनता के आवाज उठाता है, जनता के हितों की बात करता है? तो आज हाशिए पर वो है जो लोकतंत्र की बात करेगा, हाशिए पर वो है जो आम जनता की बात करेगा, हाशिए पर वो है जो गरीबों की बात करेगा, जो गरीबों का मसीहा है। लेकिन जो शोषण करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन आप जैसे ब्रजभूषण की बात कर रही हैं, तो जो पीड़ित हैं साक्षी मलिक, वो कहती हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, ब्रजभूषण से है, जबकि सब जानते हैं कि ब्रजभूषण जो है सरकार का हिस्सा है। जो भी साक्षी मलिक, ब्रजभूषण किसके हिस्सा है? ब्रिजभूषण को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आज तक ब्रिजभूषण बने हुए कैसे हैं? लखीमपुर खीरी में क्या घटना हुई थी? अजय मिश्रा टेनी सत्ता में बने रहे, उनके बेटे ने हत्या की। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जब से आई है, आवाज को कुचला जा रहा है, हाशिए पर रखा जा रहा है, और सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, MP
छुट्टा सांड के जैसे इन्हें पूरी ताकत है, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चढ़ूनी एक्चुअली वहाँ इलेक्शन है हरियाणा में कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, चढ़ूनी का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है वहाँ पर, बिल्कुल किसान नेता है, एक आवाज पे लोगों को जमा कर लेते हैं, तो क्या सरकार को खटक रहा है कि चढ़ूनी आगे बढ़ रहा है और हमें बिल्कुल बिल्कुल देखो बढ़ नहीं रहा। चढ़ूनी जी का तो है ही, हरियाणा से एक संगठन था किसान आंदोलन में, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का था, और वो अकेले पूरा हिला के रखते है चढ़ूनी जी, आदरणीय हमारे बुजुर्ग, और आज उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी को नहीं दबाया जा रहा है, ये देश के किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, ये देश के संविधान को दबाया जा रहा है, और देश के संविधान को कैद किया जा रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कैद नहीं किया गया, डराया तो नहीं जा रहा है सर, क्योंकि रेसलर का सपोर्ट कर रहे हैं सारे किसान, तो वो जो डरा रहे हैं वो जानने, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है और ये देश का किसान डरने वाला नहीं है, देश का किसान दबने वाला नहीं है। शायद लगता है सरकार भूल गई है किसान आंदोलन भूल गई है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जब हिरासत में है पुलिस की, तो वहीं पे वो अपना बयान में कहते हैं कि एमएसपी की मांग को तेज करने की जरूरत है, मेरे किसान नेताओं से अपील है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर सरकार दबा रही है तो हम दबने वाले नहीं है, एमएसपी की मांग और तेज होगी, किसानों की मांग और तेज होगी, क्योंकि किसान जायज पर है, किसान हक पर है।